देश में दो कृषकों के हित के लिए अलग-अलग बजट बनाने की बात की जा रही है। एक आम बजट हो और एक किसानों का बजट हो, तो ये जो दो अलग-अलग बजट बनाने की प्रक्रिया को मूर्त रूप दिया जाएगा, ये भविष्य तय करेगा। सत्ता में अगर कांग्रेस आती है तो दो बजट अवश्य बनेंगे। तो ये किसानों का जो अलग से बजट बनाने की प्रक्रियाओं को राजनीतिक दल ने संकल्प पत्र में समाहित किया है, ऐसी क्या मजबूरी है कि किसानों के लिए अलग से बजट बनाना पड़ा और बनाने की प्रक्रिया को मूर्त रूप देना पड़ेगा? क्या कारण है? क्या ये उचित है किसानों के लिए? बिल्कुल आज की आवश्यकता है, किसानों के लिए अलग से बजट बनाना चाहिए। वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने लगातार 5 वर्षों तक किसानों से ये कहा है कि किसानों की आय को दोगुना करने का काम कर रहे हैं। बाहर से आयात करके बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुंचा के किसानों की भाव लगातार कम हो रहे हैं, और एक तरफ केंद्र सरकार कह रही है कि आपकी आय को दोगुना करने का काम कर रहे हैं। ये किसानों के साथ एक धोखा है, किसानों को ठगा जा रहा है और किसानों को बेवकूफ़ समझ रही है सरकार। और उसके बाद भी जब किसान भाव की मांग करते हैं तो उनके ऊपर गोली चलाई जाती है, और दूसरी तरफ चुनाव में अगर जाते हैं तो वो राष्ट्रीयता की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, और भाव और किसान और उनकी आय सब भूल गई है सरकार। ये तो बहुत ही प्रश्नवाचक वादे हैं, और ये सत्ता प्राप्ति के आने के बाद ही तय होगा कि दो बजट कौन सी पार्टी बनाएगी। आज कांग्रेस ने इस मुद्दे को बनाया, और ये जितनी भी फसलें हैं भारत की, जो भी जिन्सें हैं, उसमें व्यापारियों के लिए तो किसान विरोधी नीति बनी रही है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह खड़ा हो रहा है कि जो अफीम उत्पादक कृषक हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के, और आप मध्य प्रदेश के जो नीमच जिले के मनासा तहसील से जनप्रतिनिधि के रूप में आप किसानों के हित के लिए लड़ रहे हैं, और ये गढ़ है, अफीम क्षेत्र है, यहाँ पर एक चुनौती वाला बेतुका और बेवकूफ़ भरा नोटिफिकेशन जारी हुआ कि सरकार अब अफीम पर जो लाइसेंसी राज जो चल रहा था उसको खत्म करने के स्थान पर और उसे मजबूत बना रही है। सरकार ने कहा अंतर्राष्ट्रीय संधि को हम नहीं मानते, और अंतर्राष्ट्रीय संधि को माने भी क्यों? क्योंकि हमारा कानून है, और किसानों पे हम आतंक तभी कर पाएंगे जब हम हमारा स्वयंभू कानून बनाएंगे। आज जो नोटिफिकेशन 2017 में जारी हुआ उसमें हास्यास्पद चीज़ ये रही कि सरकार जो पद्धति लागू ही नहीं करना चाहती और लागू कर ही नहीं सकती, उसका गजट नोटिफिकेशन कर चुकी है, और ना तो कंपनी, ना तो कोई व्यक्ति, कोई भी किसी भी प्रकार के नोटिफिकेशन प्रक्रिया में वो स्थापित कर पाई जो किसानों से संपर्क बनाए। अब ना तो कंपनी है और ना तो व्यक्ति है, दोनों की अनुपस्थिति में भारतीय अफीम नीति फड़फड़ा रही है, तड़प रही है और शोषण का शिकार हो रही है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय का जो राजस्व विभाग है वो ये कहता है कि हमने जो भी कंपनी नियुक्त की है उससे हम 1,000 रुपये प्रति हेक्टर की दर से राशि प्राप्त करेंगे, उगाही करेंगे, अवैध उगाही करेंगे, और न तो कंपनी है और न तो व्यक्ति है। फिर वो 1,000 क्या किसानों से वसूल रही है प्रति हेक्टर की दर से? ये राशि करीब 15 करोड़ रुपए प्रति वर्ष होती है। 2017, 2018, 2019, 2020 तक की जो पॉलिसियां आ रही हैं उसमें अगर हम माने तो 60 करोड़ से अधिक की राशि केंद्र सरकार किसानों से उगाही करके हजम कर चुकी है। तो ये लाइसेंस राज खत्म हो रहा है कि लाइसेंस राज बरकरार रखा जा रहा है?
लाइसेंस राज जो है उसको और बढ़ाया जा रहा है। पूर्व में लाइसेंस देने के लिए किसानों से कोई फीस वसूल नहीं करते थे। अफीम का मूल्य नहीं बढ़ाया जा रहा है। अफीम के किसानों की जो जो अफीम के तौल पर अफीम लेके आता है उसको जो टेस्ट करने की जो पद्धति है उसमें कोई सुधार नहीं किया जा रहा है। लाइसेंस की फीस 1,000 रुपये हेक्टर करने जा रही है सरकार। नहीं कर चुकी है। हाँ नोटिफिकेशन जारी हो गया तो अगली बार और उसे उसको देना है। सबसे बड़ी बात है कि वो सुप्रीम कोर्ट को भी गुमराह करती है। वो ये कहती है कि हम बिना चिराई पद्धति लागू कर चुके हैं, और यहाँ पर किसानों को जो लाइसेंस दे रही है वो दे रही है चिराई पद्धति से। तो ये इतनी बड़ी धोखाधड़ी सुप्रीम कोर्ट के साथ, ऐसा खिलवाड़ क्यों? क्या वो सुप्रीम कोर्ट को खिलौना समझ चुके हैं कि जैसे चाहे अपनी मनमर्जी से खेल लें, जैसे चाहे तो क्या ऐसे सुप्रीम कोर्ट बंद नहीं हो जाएगी? या किसान नहीं चाहेंगे भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट की बेदखली को? देश में जो व्यवस्था है वो न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों के सामंजस्य से काम चलता है। न्यायपालिका अपने आप में स्वतंत्र है, लेकिन लेकिन यहाँ कहाँ स्वतंत्र है? न्यायपालिका को भी जो अभी सरकार है वो अपने कब्जे में रखना चाहती है। न्यायपालिका जो चाहती है वो जवाब नहीं देते हैं। तो आपका मतलब है कि न्यायपालिका ही भारत सरकार है और भारत सरकार ही न्यायपालिका है? झूठे झूठ पूरे झूठे आश्वासन न्यायपालिका को भारत की सरकार में बैठे हुए लोगों ने दिए हैं। मंत्रियों ने हलफनामे झूठे दिए जा रहे झूठे हैं। हलफनामे दिए जा रहे हैं, झूठी जानकारी दी जा रही है, वास्तविक तो क्या जानकारी दी भारतीय जा रही तो क्या भारतीय किसान को अफीम से दूर करने के लिए तो ये सब ऐसा गुमराह नहीं किया जा रहा है कि भारत में अफीम किसान जो हैं वो अफीम न पैदा करें और हम डायरेक्ट बाहर से मंगा लें? बिल्कुल लगातार किसानों का शोषण करते हुए अफीम नीति गलत बनाई जा रही है और भविष्य में इस तरह से अगर गलत जवाब देंगे, गलत नीति बनाई जाएगी तो अफीम के किसान खेती करने के लिए योग्य नहीं होंगे और ऐसी स्थिति निर्मित करके और ये किसानों का हक छीनने जा रही है तो सरकार। अभी ये नोटिफिकेशन हुआ था तो उसमें एक व्यक्ति को संपूर्ण एकाधिकार सौंपने की बात की गई है। क्या देश में एक व्यक्ति भारत की पूरी संपूर्ण अफीम नीति को नियंत्रित कर सकता है? नोटिफिकेशन में तो एक व्यक्ति वर्ड लिखा है, एक व्यक्ति को ये क्या है कि तो बड़े ये लोग एक व्यक्ति बड़े कौन हो सकता है? बड़े लोगों को इस पर नियंत्रण रखने के लिए नियुक्त कर रहे हैं। ये तो बड़े क्या उद्योग जैसे पतियों जैसे को पार्टी अध्यक्ष होता है वैसे अफीम अध्यक्ष होगा वो? बड़ी बड़ी विडंबना है इस बात के हाँ लिए कि अब पार्टी अपने निर्णय लेके और सरकार पर थोप रही है कि नियम बनाओ और हाँ उनके उद्योगपति बड़े लोगों को इसका ठेका दिया जा नहीं नहीं रहा है। उद्योगपति में एक व्यक्ति जैसे अफीम अध्यक्ष होगा वैसे ही मान लिया जाए, जैसे पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, ऐसे ही अगर उसको सब एकाधिकार दे दिया तो अफीम अध्यक्ष हो गया वो तो। बिल्कुल ऐसी स्थिति निर्मित कर रहे हैं कि हाँ सारे अधिकार एक व्यक्ति को दिए जा रहे हैं ताकि ये अफीम के किसानों को कैसे शोषण तो किया जा ऐसा सके। लगता है बीजेपी आरएसएस के कोई बहुत बड़ा व्यक्ति ही इस पूरी अपना नोटिफिकेशन अपने पक्ष में करवा रहा है। हाँ बिल्कुल पीछे से तो पूरी भारतीय जनता पार्टी के लोग ही इसको संचालित कर रहे हैं और अब आरएसएस के लोग भी इसमें शामिल हो गए। उनमें से एक आदमी को इसके पीछे लगाया जा रहा है। नहीं वो अध्यक्ष बन जाएगा? हाँ हाँ बिल्कुल अध्यक्ष बनाने की तैयारी ठीक है। है।